तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार देखो, आप लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है पिछले कुछ टाइम में कि मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, और मैंने गिव अवे अनाउंस किया है। तो यार तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को इस चीज़ पता भी नहीं है कि मैंने गिव अवे रखा और मैं 75K पे करने वाला था, उसको 70K पे कर दूंगा अब। तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ मेरे कम्युनिटी टैब पे, जो पोस्ट है उस पर आपको एक लिंक भी मिल जाएगा बिल्कुल लास्ट में, और मैंने कन्फेशन कर रखा है, उस कन्फेशन को भी ज़रूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा लिंक है उसमें बिल्कुल लास्ट है, मैंने वो दे रखा है जिसमें गिव अवे का मैंने पोस्ट डाला है, वो 70K पे होना है, उसको आप बहुत आराम से जीत सकते हो। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको कुछ फॉलो करने हैं। और जैसे ही ये 70K का गिव अवे कंप्लीट होगा, मैं एक और गिव अवे अनाउंस कर दूंगा एक बड़े टारगेट को लेके, और बहुत जल्दी ये होगा। तो यार जल्दी से जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वो कम्युनिटी पोस्ट जरूर देख लेना। तो ये वीडियो होने वाली है एक अंडरडॉग प्लेयर के ऊपर, जिसने अपने दम पे इतना सारा नाम बना लिया, और वो आगे भी यार बहुत ज़्यादा छाने वाला है, और जो बड़े से बड़े प्रोज होते हैं उनको बहुत ईजीली क्लच करता है। तो उस पर एनालिसिस होने वाली है, बहुत बड़े बड़े चीज़ें आपको मिलेंगी VR पंक के ऊपर। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो वो कहते हैं ना गाइस, अगर एक छोटा प्लेयर भी होता है, कोई अंडरडॉग प्लेयर भी होता है, तो उसको बड़ा बनाता है कोई एक मैच, एक ऐसा मैच होता है जो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जैसा कि हमारे स्नैक्स भाई के केस में हुआ था, जब उन्होंने 1v4 किया था SGE सिनर्जी की टीम को सैनॉक में, उसके बाद से उनका बहुत ज़्यादा नाम बनना स्टार्ट हुआ था। वैसे ही हमारे वीर पंक के केस में भी ये स्टार्ट हुई, उनके चैनल पर ज़्यादा वॉचिंग नहीं आती थी, मतलब PMCO में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फ्रैग्स निकाले, तब भी उनके पास 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स ही थे। लेकिन एक मैच विलेजर ई स्पोर्ट्स का, वो एक मैच जिसमें उन्होंने 1v3 कर दिया पहले सिनर्जी को, उसके बाद एक मैच आया जिसमें उन्होंने 1v3 ओम से कर दिया, उसके बाद इतनी ज़्यादा उनकी वॉचिंग बढ़ी कि उसके बाद हर जगह उनकी तारीफ होने लग गई। और एक अंडरडॉग प्लेयर होता है ना, ऐसे ही चीज़ों से हाईलाइट में आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद भी यार ऐसी चीज़ हुई कि स्काउट भाई जैसे बड़े प्लेयर भी ये बोल रहे उनके बारे में, लाइव स्ट्रीम भी करते हैं उसके लिए, बहुत मज़ा आता है उसका देखने में गेम प्ले। तो उनकी जर्नी पे तो किसी और दिन चर्चा करेंगे, इस बारे में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं उनके प्ले स्टाइल की और क्लचेस की। और उसमें से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करी हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो सीधा उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक उनका क्लच। Watch out! Watch out! Need kar raha, need kar raha. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज उन्होंने करी वो थी एम असिस्ट का यूज। स्मोक में बंदा मारने के लिए उनको लोकेशन नहीं पता थी, तो उन्होंने अपना स्प्रे बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। आप अगर ध्यान से देखो तो उनका एम अपने आप लेफ्ट साइड में गया, क्योंकि एम असिस्ट बंदे पे लेके गया, तो उन्होंने आराम से इतने प्यार से एडजस्ट कर लिया बंदे के ऊपर। अब इसके बाद एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ कि इन्होंने जो ट्रेनिंग करी है वो थंब पे बहुत ज़्यादा करी है, जिस वजह से इनका प्ले स्टाइल ऐसा है कि ये बहुत ही कम ऐसा पीक करते हुए आपको नजर आएंगे। ये हमेशा कवर से लेफ्ट या राइट हल्का सा निकलते हैं और उसके बाद ही स्प्रे देते हैं। आप खुद देख सकते हो कि इतने सारे बंदे थे यहाँ पर, पीछे भी थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी पीक नहीं किया, क्योंकि इनकी ये चीज़ है कि एक चीज़ होती है कि अगर आप 100 टेक्निक्स एक बार मास्टर करोगे तो आपको उतना ज़्यादा मास्टरी नहीं हासिल होगी, लेकिन अगर आप एक ही ट्रिक को 100 बार मास्टर कर लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। और यही एक चीज़ है कि जब ये थंब से स्प्रे करते हैं तो ये पीक कम करते हैं, इनका जो ADS फाइट है उस पर ज़्यादा रिलाय करते हैं पीक करने की जगह, सिंपल स्ट्रेट ADS फाइट से बहुत ज़्यादा देते हैं, जो इनकी नॉर्मल फाइट्स में भी काम आती है और डैमेज दो अंदर आओ में भी। उसके लिए देखिए ये वाला केस, बंदे हो गए अभी, तीन ही थे तभी भी तीन थे ये, वो बंदा मारता मेरे साथ स्प्रे एकदम इजी मार लेगा, लेट गया इजी मार दे इसको, बढ़िया आता है यार, अरे क्या बात है भाई।
यहाँ पर मैं दो चीजें नोटिस कराना चाहता हूँ। पहले आप यहाँ पर देखो, इनका जो स्टाइल है उसमें एक ही बटन से क्राउच भी करते हैं और स्कोपिंग भी करते हैं, लेकिन उन्होंने इसी एक ट्रिक को इतने बढ़िया तरीके से मास्टर कर रखा है कि जब भी ये देखो अपना डैमेज देने के लिए ऊपर उठते हैं तो कितना कम अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। रिच से बहुत हल्की सी ही इनकी जो बॉडी होती है वो ऊपर निकलती है। वो आप ऐसे देख सकते हो कि इनके स्कोप के अंदर हमेशा आपको कवर दिखेगा। और वही एक चीज़ को मास्टर करने के लिए जो मैंने बोला, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि देखो कवर के साइड से भी अपना एडीएस जो खोलते हैं ये बिना पीक करे खोलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब भी पीक करते हो कवर के थ्रू तो आपको एकदम से बंदे की लोकेशन नहीं पता चलती है, आपको डिटेक्ट करने में उसको स्पॉट करने में टाइम लगता है। तो उस वजह से ये पीक करने की जगह बिल्कुल साइड में आते हैं और उसके बाद अपना स्कोप खोल कर मारते हैं। और इनकी एडीएस फाइट इतनी अच्छी है क्योंकि ये थंब से ही ज़्यादातर फायर करते हैं, चाहे ये एडीएस फाइट हो या फिर क्रॉस एयर फाइट हो। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जैसे आ रहे हैं हम बात करेंगे वो है इनके एनिमीज़ की लोकेशन को प्रेडिक्ट करना, जो उनके गेम सेंस में बहुत बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि गेम सेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपकी गन पावर से भी ज़्यादा मैटर करता है। उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली क्लिप। एनडी के साथ उनकी फाइट हो चुकी है, बट ये फाइट मेरे ख्याल से कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, जहां पर पंक अगेंस्ट टीएसएम एंटिटी, एक इंस्टेंट पुश, ये एक रिक्वायर्ड अलिया था। आई थिंक नियो और क्लच गॉड आगे पहले आए थे, अपनी टीम को ग्रीन सिग्नल दिया कि आप लोग यहां पर आ सकते हो। फाइट्स देखें यहां पर गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक निकल कर आ रही है। पंक ओपी, मिस्टिक सेंसी, नियो बीइंग द एंट्री फ्रैगर इज एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स पंक वर्सेस नियो, ये बनेगा 1v1। आप पहले प्रॉपर साउंड के साथ देखिए पंक का पीओवी इसमें। मॉडल राइट से देखिए प्रॉपर एंगल। वॉच आउट, अंदर से बग्गी लेके तोला से कहें। ठीक है गाइस, नॉक ना हो ऐसे ट्राई करो। दोनों अब एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि इनका पीछे एक प्लेयर था जो उनको सपोर्ट देने के लिए रेडी था। 3v4 की फाइट थी तो उन्होंने ऑब्वियसली आगे नहीं जाना था, तो पीछे ही रुके और यहाँ पर एक जगह पर रुके हुए थे, जिस वजह से बहुत प्यार से सामने वाले के फुटस्टेप्स ले पा रहे थे। अब सामने वाला जो प्लेयर था वो कॉन्टिन्यूसली इनके सामने भी था और जो फुटस्टेप्स इन्होंने लिए उस देखो कितने प्यार से प्रेडिक्ट करके वो ग्रेनेड नॉक किया। और यही एक ओपनिंग आपको चाहिए होती है, क्योंकि ये ओपनिंग अगर मिल जाती है तो अच्छे से अच्छे प्लेयर टीएसएम जैसी टीम भी थोड़ा सा एक पैनिक मोड में आ जाती है। और वैसे तो पंक के गेम प्ले में एक ही चीज़ नहीं, बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप गेम सेंस उनका बहुत आराम से देख पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जिस पर आप लोग शायद ही ध्यान दो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आगे के क्लचेस क्या रहे हैं हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैं आपको दिखाना ज़रूर से चाहता हूँ। उसके लिए देखिए ये वाली क्लिप। अब आपको भी शायद ये सिंपल सी एक एडीएस फाइट की क्लिप लगी होगी, लेकिन आपने शायद ये चीज़ नोटिस नहीं करी होगी कि जो बंदा था उसके लेफ्ट साइड में कवर था, तो जब भी उन्होंने स्प्रे मारना स्टार्ट करा तो उन्होंने लेफ्ट साइड में ही टारगेट करा, क्योंकि उनको पता है कि एक शॉट भी लगेगा तो बंदा लेफ्ट साइड में ही भागेगा। और यही चीज़ हुई कि उन्होंने अपना स्प्रे कनेक्ट किया भी, वो बंदा लेफ्ट साइड में गया और उनका एम ऑलरेडी हल्का सा लेफ्ट साइड में था, जिस वजह से सारे शॉट्स कनेक्ट होते चले गए। तो ये एक बहुत छोटी सी क्लिप थी जो मेरे को सच में लगा कि मेरे को दिखानी चाहिए थी। और भी ऐसी बहुत क्लिप्स हैं जिनको मैं ज़रूर से कवर करना चाहूँगा, लेकिन अगर आपको पसंद आएगा तो ही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पार्ट टू चाहिए है। और पंक के ऊपर एक और वीडियो टाइटन क्रेटोस गेमिंग ने भी बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर से चेकआउट करिएगा। आपको उसमें भी यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।